कुमार और उनके जो भतीजे हैं तेजस्वी यादव, सिर्फ अति पिछड़ों का शोषण, दलितों का शोषण वोट बैंक के रूप में देखती है। आप सभी से अपील है कि आने वाले समय में अगर बिहार के विकास, अपने बच्चों के विकास, अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सही करना चाहते हैं तो सरकार को बदलिए। अगर किसी विद्यालय का शिक्षक ग्रेजुएट होगा तभी वो आपके बच्चे को आठवीं दसवीं तक। आबादी हमारी 36% है, आरक्षण का लाभ क्या मिला, बढ़ा के 25% उन्होंने घोषणा किया। अगर सरकार ईमानदार होती तो 36% बोनस देके 37% करती, तब मैं समझता कि चाचा भतीजा अति पिछड़ों की भला चाहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये ठगने के लिए जोड़ी बना रखे हैं। अभी अभी हाल फिलहाल बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में बिहार के मुख्यमंत्री ने जो हरकत किया उसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारी माता एवं बहन यहाँ पे बैठी है, लेकिन बहुत सारे माता बहन यहाँ भाई बुजुर्ग बैठे हैं जिन सारी घटना से वाकिफ है। तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको जो महिलाओं के अस्मिता और सम्मान से खेले? तो आप सबको समझना होगा, जब देश का मुखिया, राज्य का मुखिया सही होता है, जिस तरह घर का गार्जियन अगर सही होता है तो परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी में जाते हैं। जिस परिवार का गार्जियन खराब हो जाता है उसके बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत रास्ता में चले जाते हैं। तो यहाँ तो राज्य की बात है, राज्य के मुखिया अगर सही व्यक्ति को नहीं चुनेंगे तो राज्य का भला कभी नहीं होगा। और मैं खासकर अपने समाज अति पिछड़ा मछुआरों से कहना चाहता हूँ, नेता उन्हीं को चुनिए जो आपकी समाज का चिंतन करे। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं अपने समाज को खंडित होने के बाद भी नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। 13 जातियों में मलाह को बांटा गया और सबसे पहले एक नेता है जो नीतीश जी को बधाई देते हैं। एक ऐसे भी होगा मुख्यमंत्री बनने के लिए, किसी सदन का सदस्य बनना होगा मुख्यमंत्री बनने के लिए तो पहले सदस्य बनने लायक समाज को बनाइए तो सही। आज हमारी आबादी, मल्लाहों की आबादी 2.6 है, लोग गुमराह करते हैं 14% 15% है। हाँ 14% हम हैं, लेकिन तब है जब 13 खंड में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में जो 13 कुलियों में 13 जातियों में हमको बांटा है, एक जब हो जाएगा तो हम 10 से 12% 14% होंगे। लेकिन उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। संविधान में जो अधिकार अति पिछड़ों दलितों को मिला है वो संसद में घुस जाओगे जिस दिन, उस दिन अपने अधिकार को ले लोगे। लेकिन हम आइए, किसी के बहकावे में मत जाइए, क्योंकि किसी के बहकावे में आप समाज को तोड़ रहे हैं। हम लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जब तक समाज एक नहीं होगा। आज के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चाहते कि मछुआरा का उन्नत विकास हो, इसलिए उन्होंने मत्स्य संपदा योजना, विश्वकर्मा योजना के तहत भी मल्लाहों को उन्होंने जोड़ा। क्यों? कि मल्लाह का बेटा आगे बढ़े, मछुआ समाज की तरक्की हो। नमस्कार।